अबे पहली वीडियो ही देशभक्ति खड़े कौन अब्बू होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूँ आसिक अली। और मैं हूँ हमजा नवाज। वेलकम टू हैकर बॉयज। जी हाँ, तो इस वीडियो में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो नेगेटिविटी का नशा भूखने वाले ज़रा साइड में हो जाओ। मसले मसाइल तो पूरे साल डिस्कस होते रहते हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पॉजिटिविटी पे। जैसे कि पाकिस्तान जो 1947 में आज़ाद हुआ और जिना भाई ने इंग्लैंड से ग्रेजुएट मार के पाकिस्तानियों को जज्बा दिया। अबे इतनी डिटेल में नहीं जाना है। अबे गलत स्क्रिप्ट खुल गई यार। यार पाकिस्तानियों को किस तरह डिफाइन करेंगे? स्पेशलिटी और यूनिकनेस तो खुदा ने हमें इतनी दी है कि बस कराची की बिरयानी से लेके लाहौर की लस्सी, पिंडी के बॉयज से लेके इस्लामाबाद के बर्गर, मुल्तान की मिट्टी से लेके पेशावर के पठान। बस 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 इतनी डिटेल में मत जाओ यार, मसला हो जाएगा। पाकिस्तान को हमेशा से ही मसाइल का सामना रहा है, पहले पार्टीशन के मसले, फिर अपने रोले, 2005 की अर्थक्वेक कैटास्ट्रोफी या फिर 2020 की कोरोना एपिडेमिक। वाकई मुल्क ने काफ़ी सफ़र किया, मगर फिर भी इतने डिज़ास्टर्स और इतने डाउनफॉल्स के बाद भी हमारी कौम साबित कदम रही। हमने अचीव भी बहुत कुछ किया है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब। बॉयज़ ने छप्पड़ में ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया और दुनिया को पता ही नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया की बेस्ट आर्मी है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल ही देता हूँ, कोरोना रिसेशन की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी डाउन हुई, ये तो सभी जानते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी वॉज द सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? है मीडिया यार, मीडिया। अब अगर टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान में पत्थर उठाओ टैलेंट मिलता है, हमारी मिट्टी टैलेंट प्रोड्यूस करती है। अब इस भाई की मिसाल ले लेते हैं, पाकिस्तान में हाई जंप एज अ स्पोर्ट दूर दूर तक नज़र नहीं आता। मैंने तो नहीं देखा, तूने देखा है? अगर आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मगर लाड़काना के इस भाई ने सबको हैरान कर दिया जब इनकी ये बाइक जंप वाली वीडियो वायरल हुई। अब एक और मिसाल लेते हैं उस 9 साल की बच्ची ने जिसने पीरियोडिक टेबल को करेक्ट ऑर्डर पर सेट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। मतलब आप देख रहे हो टैलेंट। मैं इस बच्ची के पेरेंट्स का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ये सब खेल खेल में शुरू किया था। मतलब बच्चे खेल खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं भाई, माशाल्लाह। और इस बच्ची का कहना है कि शी वॉन्ट्स टू बिकम अ केमिकल बायोलॉजिस्ट इन द फ्यूचर, अ टर्म वेरी वेल नोन इन पाकिस्तान। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉग्निशन दिलवा रहे हैं थ्रू मैनी प्लेटफॉर्म्स, जुनेजो, GFX मेंटोर, यंगस्टर्स और आपके अपने हैकर बॉयज। इन लोगों की तरह हमारे कंट्री को लॉयल्टी की ज़रूरत है, ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। हमारे अपने ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कंट्री से लॉयल नहीं है यार, विच इज़ अ शेम। और ऐसे हालात में जब किसी को फेम मिलता है तो दे शुड स्टे लॉयल टू देयर कंट्री, राइट? करेक्ट। कुछ लोग 14 अगस्त पे बाइक पे घूमने को चीप समझते हैं और इसमें मोस्टली ट्विटर, FB, इंस्टा जिहादीन्स जो बहुत मॉडर्न और कल्चर्ड हो गए हैं। अब प्लीज़ इसमें हर बंदा शामिल नहीं है, तो प्लीज़ अपनी तशरीफ ना घुसाइए, हर बात का मतलब ज़रूरी नहीं होता। बस इतनी सी बात है कि ये वो वाहिद खुशी है जो उन्हें बगैर टैक्स के मिल जाती है, बस 100 का पेट्रोल डलाया और निकल गए आज़ादी बनाने। अब इस भंड के अंदर अगर उन्हें खुशी मिल रही है तो इस खुशी के रंग में आप क्यों भंड डालना चाह रहे हैं? अब मुझे समझ नहीं आता हम और हमारे पड़ोसियों में इतने पंगे क्यों हैं यार, सारी चीज़ें हमारी एक जैसी तो हैं। बिल्कुल, करप्शन से लेके हर दो नंबरी में हम साथ हैं। बिल्कुल, किसी कंट्री की कोई बात बुरी लगे तो ज़रूर बोलना चाहिए, हम भी बोलते हैं, लेकिन ब्लेम गेम से आज तक कभी कुछ गेन नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज और ड्रामाज ही फिल हुए हैं यार। बिल्कुल, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए और आज़ादी खुशी में हम खुद से अहद करते हैं कि वो इकबाल का ख्वाब और कायदे आज़म के अजीम तोहफे को हम हमेशा सलामत रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।